पुलिस स्टेशन वाड़ी के क्षेत्र में बिजली के सामान की थोक बिक्री करने वाले गोदाम से चोरी करने वाले चार आरोपी सुराबर्डी के प्रशांत दिनेश साखरे उम्र 19 साल, सुराबर्डी निवासी विलास उर्फ इल्ला सुभाष चौधरी उम्र 25 साल, निखिल उमेश पुरुष उम्र 19 साल, निखिल उर्फ कल्याण दिनेश नेवारे उम्र 18 साल सुराबर्डी निवासी को वाड़ी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता निर्मल राजकुमार मीरा ने जरीपटका निवासी कंट्रोल वाड़ी में गोपी ट्रांसपोर्ट के पास थोक बिजली का सामान बेचने के लिए प्रीति ट्रेडर्स नामक गोदाम है और गोदाम मालिक सुबह 11 बजे गोदाम खोलते हैं और रात के 9 बजे बंद कर देते हैं। रोज की तरह 20 जुलाई को 11 बजे गोदाम खुला और रात 10 बजे गोदाम बंद कर घर चला गया। 21 जुलाई के रात करीब 12:30 बजे गोदाम के ऊपर रहने वाले शहाबुद्दीन ने गोदाम मालिक को फोन कर बताया कि शटर बंद है, गोदाम का ताला तोड़ दिया गया था और गोदाम में चोरी हो गई थी। जब वे पास आए तो उन्होंने देखा कि चोरी हो गई थी। उन्होंने तुरंत वाड़ी पुलिस स्टेशन को सूचित किया। थानेदार राजेश तटकरे अपने दलबल के साथ गोदाम पहुंच गए और उसका निरीक्षण किया। अज्ञात चोर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक कुणाल धुरट, SC प्रमोद गिरी, प्रवीण फलके, हेमराज बीराल, प्रमोद थोनौने, सतीश शेषनकर उक्त मामले की जाँच में जुट गए थे। मामले में क्षेत्र में उपलब्ध निजी एवं COC सेंटरों पर लगे CCTV कैमरे की जांच कर बताए गए आरोपियों के बताए गए अनुसार तलाश करने के बाद घटना के 2 दिन तक तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के पास से 35,100 रुपए नगद, वारदात में प्रयुक्त लाल मोपेड की अनुमानित कीमत 40,000 रुपए, चोरी के पैसों से खरीदे गए 3 मोबाइल फोन की कीमत 23,499 रुपए, वारदात में इस्तेमाल लोहे की टीके कीमत 500 रुपए, आरोपी के स्वयं के 2 मोबाइल फोन कीमत 20,000 रुपए, कुल 119,099 रुपए जब्त किए गए। आगे की जांच वाड़ी PI राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में जारी है। बीसी न्यूज के लिए वाड़ी से संवाददाता की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।